मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने सवाल करा कि जीतने और हारने वालों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस सवाल के बहुत से जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके सीधे जवाब की बात करूं तो वो बहुत ही आसान है। इस बारे में किसी ने बहुत खूब कहा था कि हारने वाले फेल होने पर मैदान छोड़ देते हैं और जीतने वाले तब तक फेल होते रहते हैं जब तक वो जीत ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, विनर्स और लूजर्स में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि विनर्स हार तो जाते हैं लेकिन हार नहीं मानते। अगर वो एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार दूसरी तरह से कोशिश करते हैं, दूसरी बार फेल हो गए तो तीसरी बार तीसरी तरह से कोशिश करते हैं, पर वो कोशिश करते रहते हैं। वो फेल होने के बाद भी अपनी कोशिशें करते रहते हैं और हर बार फेल होने पर भी अपनी गलतियों से सीखते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं और फिर से सफल होने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है, यहाँ मैंने आपको जो बताया है वो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन कई बार आप जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और जब फेल होने के बाद निराश होने लगते हैं तो इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें फिर से एक बार कोशिश करनी होगी ताकि हम सफल हो सकें। और यही आज का 1 मिनट विजडम है। उम्मीद करता हूँ ये विजडम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो हर दिन देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।